सगीर मियाँ की इस हरकत पे मुझे भी उतना ही मिला ले जितना तुम्हें। सच कहते हैं सियाने, बेटियां अपने माओं के नैन नक्श ले ना लें, मगर उनके हाथों की लकीरों को अपनी हथेलियों में जरूर चुरा लेते हैं। अगर मेरे नसीब में सौत लिखी थी तो मेरी बेटी के नसीब में सौत कैसे ना लिखी होती। कुल भी तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी की तरह है। अम्मी ठीक होंगी तो मैं बाजार चली जाऊंगी। इतना टाइम नहीं है बेटा, यासिर आ चुका है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अपने इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊं। हलीमा को इन मामलात की ज्यादा समझ है नहीं, तो मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम गुल के साथ जाओ, वो ज्यादा बेहतर तुम्हारी मदद कर सकती है। तो मेरे जाने की क्या जरूरत है, इन्हीं को भेज दीजिए ना अकेला, यही सब कुछ कर लेंगे। मासी कैसी तावीज? शौहर को बस में करने का तावीज, और कौन सा तावीज? उस तावीज में इतना असर है कि सगीर मियाँ उस कलमोई को छोड़कर आपके गुण गाएंगे। वाकई? तो और क्या। बंद करो ये ड्रामा। इस बार कोई ड्रामा नहीं, मैंने सचमुच सगीर अहमद से शादी की। अब कहाँ गई वो तुम्हारी अफलातूनी मोहब्बत? तुम तो मेरे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी बकौल तुम। नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर, तुम्हें मैं जीती हुई नजर आती। एक बात याद रखना यार, मेरे सारे रास्ते तुम तक पहुंचते, सीधे भी और टेढ़े भी। क्या मतलब? अब कौन सी नई चाल चल रही है? जो भी करना ये बात ध्यान में रखना कि तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मेरी जिंदगी में दूर दूर तक तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं, को समझ गए? समझ गए। अब मैं शादी की एक वजह तुम्हें आज बता देती। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि कोई भी शरीफ और इज्जतदार घराने का आदमी मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करे। तो देख, सगीर अहमद जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी अपने पूरे होश व हवास में मुझसे शादी कर ली, और ये तुम दोनों ही जानते हैं ना कि वो कितने शरीफ हैं, नहीं तो तुम उनकी बेटी से शादी करने के लिए इतने बेचैन ना हो रहे हो। गई मैं खानदानी? तुम पागल हो गई कुल, बिल्कुल पागल। सिर्फ इस एक बेबुनियाद सी बात को साबित करने के लिए तुमने शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को खेल बना लिया, और कितने लोगों को सीढ़ी बनाओगी तुम? हाँ बोलो। तुम जितना मेरी पहुंच से दूर जाते जाओगे मैं उतनी सीढ़ियां चढ़ती जाऊंगी। चलो चलो रज्जू मासी, जल्दी से होके आए। जल्दी कैसे जा सकते हैं बीबी जी, दो दो वैगनें बदलनी पड़ती हैं और पूरे दो घंटे लगते हैं आने और जाने में। अब देखे ना वहाँ पता नहीं बारी भी कब आएगी, इतना रश होता है वहाँ। और ऐसा कहते हैं कि आप टैक्सी कर लीजिए। टैक्सी? अब पैसों का कोई मसला थोड़ी है आपके लिए, मसला तो हम जैसे गरीबों के लिए है। किराया बचाने के लिए सगे रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ जाता है। रज्जू मासी तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं निम्मो के अब्बा से गाड़ी मंगवा लेती। हाय कितनी भोली है आप भी, उन्हें थोड़ी ही बताना है, उन्हें तो हवा भी नहीं लगने देंगे इस बात की। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। बेबी जी आपने वो पैसे तो रख लिए ना? हाँ दिखाऊं? नहीं 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 बस चले जल्दी करें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, एक वक्त में दो दो रिश्ते हैं तुम्हारे, कहा तो एक की भी उम्मीद नहीं थी, फिर किस बात की परेशानी है?
भूख लगी हो, सामने भरी प्लेट हो, लेकिन हाथ बंधे हो तो इंसान क्या कर सकता है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं हो? काफी दिनों से देख रही हूं कि तुम कुछ बिखरी बिखरी सी लग रही हो। ऊपर से मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियां आई कि तुम्हारी तब्दीली की वजह ही नहीं पूछ सकी। हालांकि दोस्त कहा था तुम्हें, दोस्त समझ के बता दो। क्या बताऊं कि क्या हुआ है मेरे साथ? साजिद, धोखा दिया उसने तुम्हें, शादी नहीं कर रहा, दफा करो नहीं करता तो। मैंने तो तुमसे कभी कहा नहीं था, लेकिन मुझे तो वो शक्ल से ही धोखेबाज और फ्रॉडिया लगता था। अच्छा हुआ तुम उस चक्कर से निकल गई। जानी तो नहीं छूटी, अगर तुम्हें वो फ्रॉडी और धोखेबाज लग रहा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मेरे बताने से समझ जाती क्या तुम? इश्क का बुखार किसी के बताए हुए टोटके से नहीं उतरता। भूल जाओ उसे चंदू, दिल का रोग भी उसे बना जो दिल का रोग बनते हुए जचे। इन दोनों रिश्तों में से किसी एक को हाँ कर दो, भले मैं रोगी। नहीं, नहीं कर सकती, मैं इस रिश्ते के यहां नहीं कर सकती। चलो चलो, क्या बात है, किसी चक्कर में फंस गई हो क्या? अल्लाह के बाद बस आप ही का आसरा है। अरे उस लाडोरानी के लिए कुछ ऐसा कर दे कि वो उजड़ कर रह जाए। इस जमीन पे बड़े मटक मटक के चलती है। अरे तोड़ दे इसकी अकड़, खत्म कर दे इसकी अकड़। अरे उसकी अकड़ तो ऐसे तोड़ी जा सकती है कि इस पे उसे सबसे ज्यादा मान हो, वो सहारा ही ना रहे। तो शाबी भी देर किस बात की है? अरे उसका मान खत्म कर दे, तोड़ दे इसकी मान। अरे बेवकूफ औरत, इस सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो तो दूसरी तीसरी भी शादी कर सकती है, लेकिन तुम अपना जवान बेटा कहां से लाओगी? शाह बीबी, अल्लाह की कसम, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हल्का हाथ रखना शाबी भी, इस कमबख्त मारी के लिए तो ऐसा काम करें कि इसकी हड्डियां सूरमा बन जाएं। लेकिन शाबी भी, मेरे बेटे को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। शाबी भी, बड़ी ओखी ओखी बातें करती हो शाबी भी से। अरे तुम्हारी बहू के पीछे बहुत बड़ी शैतानी कुव्वत है। ऐसे ही नहीं, 2 साल में उन्होंने तुम्हारा नाक में दम कर दिया है। उन पर काबू पाना बहुत जिगर गुर्दे की बात है। शाबी भी, ऐसा तगड़ा तावीज करें कि मेरा बच्चा इसकी मुंह की तरफ थूके भी नहीं, देखे भी नहीं, और ये कमबख्त मारी गलियों के यूं फेरे करे, इसको खरक कर दे। तुमको काले घाट पर 3 सुहागनों के हड्डियों की धुनी जमानी है। उल्लू की आंख में
सोने की कील तावीज में चुभोकर, शुतुरमुर्ग के अंडे में रखकर जमीन में दबाना होगा। जाओ जाओ, ये इंतजाम करो। पर या बीबी, मैं ये चीजें कहां से और कैसे लेकर आऊंगी? अल्लाह के वास्ते आप ही कुछ करें मेरे लिए, अल्लाह के वास्ते। तो ये चाकरी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। जाओ हरी बनना सिखाओ, वो सब चीजें तुम्हें खरीद के ला के देगी, तुम उसे उसका हिसाब कर देना। शाबी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शाम मेरे मुश्किल आसान रज्जो। जी शाह बीबी। मेहमानों से जबरदस्ती नहीं करो, जबरदस्ती ना करो मेहमानों से। नहीं शाह बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है, जरा घबरा रही है। रोने का क्या फायदा चन्नू? अंगारों में हाथ देने वालों के साथ यही होता है। किया क्या था मैंने? क्या कसूर था मेरा? तुम अब भी यही कहती हो कि तुम्हारा कसूर क्या था? हाँ, नहीं था। क्या किया था मैंने? हमारी जिंदगी में ताजा हवा लेने के लिए खिड़की ही तो खोली थी ना, ये इतना बड़ा कसूर है। मैं अकेली औरत हूं जिसने इस दुनिया में कोई गलती की है। क्या इससे पहले कभी किसी औरत ने किसी मर्द पर एतबार नहीं किया? मेरे अखबार को गाली क्यों पड़ी? गाली मिलती है हर ऐसी औरत को जिसने किसी मर्द पर एतबार किया, और कभी कभी देने वाले को तो वो गाली नहीं सोचती, और वही सबसे संगी, सबसे गंदी गाली होती है। मेरी तो जिंदगी को एक गाली बनाकर रख दिया है साजिद ने। पता नहीं कब इस गटर से निकल सकूंगी। अब तो दिल चाहता है चाहे कोई भी हो, बुढ़ा घूसट लंगड़ा लूला चीचक से था था, बस कोई भी आए और मुझे अपने साथ ले जाए। मैं तो उन दोनों में से किसी भी रिश्ते पे आंख बंद करके हाँ करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे पता है साजिद मुझे नहीं करने देगा, मुझे इतनी आसानी से इस गटर से निकलने नहीं देगा, तब तक जब तक मेरे खून में से
पसंद ना आने लगी। एक बात पूछूं चलो, साजिद तुम्हारी जिंदगी में वो, मेरा मतलब है साजिद तुम्हारी जिंदगी में वो पहला मर्द तो नहीं ना? ये रंगीनियां, ये आजादी, ये सब चाहिए था ना तुम्हें? इसी को तो तुम खुली हवा में सांस लेना कहती थी। रोज एक नया चाहने वाला, नए तरीके से सराहने वाला, फिर अब इतनी कराहट क्यों? मैंने तुम्हारे सवाल का बुरा नहीं माना कुल, जो तुम कहना चाह रही हो मैं समझ गई हूं। हां, मैं इतनी पाक दामन नहीं थी, शायद इसीलिए मेरे जुल्म पर ना जमीन हटी ना आसमान टूटा, और ना हमदर्दी से तुम्हारा दिल पिघला। खैर गुल, इससे पहले मैंने जो कुछ भी किया अपनी खुशी से अपने दिल के लिए किया, भले वो सही था या गलत, अब मैं अपनी मर्जी से नहीं किसी के कहने पर बिक रही हूं, बिन मोल बिकने में और सिक्के में बिकने में बहुत फर्क होता है, और ये बिकना सिर्फ वही समझ सकता है जो इन हालात से गुजर रहा हूं। पूरी तो तब भी थी जमाने की नजर में, लेकिन अपनी नजरों में मैं अब गिरी हूं। क्योंकि अब मैं अपनी दिल की खुशी के लिए नहीं, किसी और की बस को पूरा करने का ईंधन बनती हूं। जब दिल रस्से तुड़वा के उड़ना चाहता हो और आपका बदन किसी की मुट्ठी में कैद हो, वही लम्हा होता है जब कोई औरत औरत से तब वाइफ बन जाती है। कुल, मैं अकेली नहीं हूं, हर वो औरत तो वाइफ है जो दिल में किसी और को बसाती है और बिस्तर किसी और का सजाती है, और चाहे वो कोई और किसी और का शौहर ही क्यों ना हो, चलती हूं। मैंने तुम्हारे सवाल का बुरा नहीं माना था, और तुम मेरी बात का बुरा मत मानना।
आपका बदन किसी की मुट्ठी में कैद हो, वही लम्हा होता है जब कोई औरत औरत से तवाइफ बन जाती है। गुल, आप प्लीज से पापा के पास चले जाए। क्या मतलब? मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी शादी से नाखुश रहे। मैं इतने ढेर सारे इल्जाम लेकर नहीं जीना चाहती। वो भी आपकी बीवी है, मुझसे शादी करने के बाद उनका आप पर से हक खत्म नहीं हो जाता। आपको उनसे यूं लाताल्लुक नहीं रहना चाहिए। मेरा और हलीमा का बंधन एक मजबूरी का बंधन था नहीं, अब भी है। और जहां इतने साल निभाए वहां थोड़ा सा और निभा ले, मजबूरी से ही सही, वरना बुरी तो मैं बनूंगी ना। बुरी? मेरे दिल से पूछो तुम कितनी अच्छी हो, और आज के बाद मेरे सामने करके तुम कितनी अजीम हो चुकी हो। मुझे इतनी ऊंची जगह पर ना बैठे, ज्यादा ऊंचाई से गिरने से तकलीफ भी ज्यादा होती है, चोट भी ज्यादा गहरी लगती है।